हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी, जहां बात होती है सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की। तो आज हम लोग उस टॉपिक के बात करने वाले हैं जिसका डिमांड इतना ज्यादा है कि आप लोग मेल कर करके मेरे पूरे मेल को फ्लडेड कर दिए हो। मुझे नहीं पता था कि इसको लेके इतना सारा क्वेरी आ जाएगा। मैंने कुछ दिन पहले एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं न्यू अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट नंबर 4 में जो बताया गया है, उसके हिसाब से बताऊंगा। तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि ऑलरेडी नेट पे इतना सारा वीडियो है, फिर भी इतने सारे मेल क्यों। मैं आज दोपहर में ही लगभग मैंने मेल देखा तो वो 350 से 400 मेल थे। तो मैंने कुछ वीडियो जाके नेट पे देखे, तो जहाँ पे मैं तब समझ पाया कि जो नेट पे बताया गया है, यूट्यूब पे जो बताया गया है, उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। क्योंकि कुछ देर में वो लोग ये बता रहे हैं, कुछ देर में ही आप लोग को वो क्या कह रहे हैं, घुमा के कुछ और बता रहे हैं, तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम है। तो मैं क्या किया, उसी चीज को सिंप्लीफाई किया, क्योंकि मैं आपके इससे होके आ चुका हूँ, तो मुझे पता है कि आपको कैसे समझाना है ताकि आप प्रॉपर उसको ब्रीफ कर पाओ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताऊंगा, फिर जाके आपको आई स्कोप भी मैं दिखाऊंगा अमेंडमेंट नंबर 4 में कि कैसे क्या चीज है। ठीक है, तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कुछ भी सीखना है ना तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप कर जाओगे तो पूरा मिस कर जाओगे। और चाहते हो कि आज एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाए पूरी तरह, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारा प्लेलिस्ट है, बीबीएस का हो गया, आईएएस फॉर लेक्चर का हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी चेकलिस्ट हो गई सिविल की, कॉन्क्रीट वॉल्यूम सर्वेइंग, ये सब पे बहुत सारी वीडियोज है। आप जाके इन सब वीडियोज को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं ताकि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत सारी हेल्प हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 से 5 क्यूबिक मीटर के बीच में, ठीक है, बीच में या बराबर 1 से 5 क्यूबिक मीटर तक अप टू, ठीक है। तब आपको क्या चेक करना है, ये क्राइटेरिया है, सिर्फ एक क्राइटेरिया है, उसी को आपको देखना है। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सैंपल FCK +4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और जो मैं अभी बता रहा हूँ ये M15 या उससे ज्यादा के लिए है, जो की IS को बोलता है, ठीक है। M15 से नीचे का नहीं दिया हुआ है उस टेबल में, M15 या उससे ज्यादा का। तो मैं बता दूं इसका मतलब क्या है, सपोज आप M30 का कर रहे हो, ठीक है, कास्टिंग 1 से 5 क्यूबिक मीटर तक का वॉल्यूम था, आप 3 क्यूब ले लिए, 3 क्यूब लिए मतलब ये एक क्यूब, ये एक क्यूब, ये एक क्यूब। अब ईच क्यूब को आप टेस्ट करोगे, ठीक है, 28 दिन बाद। उसके बाद क्या होता है, हर एक का एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको मिलेगा, ठीक है। अब वो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, सपोज मान लीजिए इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका आया 30 का है ना, ये आया 35, ठीक है, ये आया 32 और ये आया 30 मान लेता हूं, ठीक है, एक का 35, एक का 32, एक का 30। अब आपको चेक करना है इसके हिसाब से, FCK आपको पता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, वो कौन सा है, 30, ये 30 जो लिखा हुआ है वही आपका FCK है। अब इस FCK +4 को मिलाइए, FCK +4 मतलब 30 +4 कितना हो जाता है, ये 30 और ये 4 मिला के आपका आता है कंडीशन के हिसाब से 34 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। हम मिलाते हैं, यहाँ पे देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सैंपल कितना आ गया हमारा, 34 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मेरा एक एक क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना आया। अब आपका सबसे पहला काम क्या है, इसका मीन निकालो, ठीक है, एवरेज निकालो, मतलब 35 प्लस 32 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3 कर देना, जो भी आपका आंसर आएगा वो देख लेना 34 से बराबर हो या ज्यादा हो, बराबर हो या ज्यादा हो, तो ही आप बोलोगे ये जो सैंपल टोटल है ये मेरा पास किया, वरना फेल किया आप उस क्वांटिटी को रिजेक्ट कर सकते हो पूरा, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात हुई जब सैंपल एक है, तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए मैं आपको IS कोड पे ले जाता हूँ अमेंडमेंट में, वहां पे दिखा देता हूँ कि एक नंबर जो पॉइंट है ये लिखा कहाँ पे हुआ है। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये अमेंडमेंट नंबर 4 है, ठीक है, इसमें आप नीचे जाओगे तो आप देखना ये वो टेबल है जो मुझे आपको समझाना है, ठीक है। अब इसमें मैं ऊपर में ये बात नहीं करूंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले आप नोट्स का 2 देखो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है when the number of sample is only 1 the requirement shall be FCK +4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये होना चाहिए मिनिमम इतना रिक्वायरमेंट। इसके लिए माइनस में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई यहाँ पे रेंज नहीं है, आपको मिनिमम FCK +4 लाना होगा या उससे ज्यादा लाना होगा, ये 1 के लिए है। अब मैं आपको बताता हूँ 1 से ज्यादा के लिए क्या होगा, पहले मैं समझा देता हूँ फिर मैं आपको यहाँ बताऊंगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो चीज, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए when the number of sample is less than 4 IS कोड में बोला है, लेस देन 4 का मतलब इसमें 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, लेकिन 1 तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये कंडीशन किसके लिए लागू होता है,
टू और थ्री के लिए। सैंपल नंबर टू आपका जो सैंपल है वो या तो दो है या तीन है। दो है मतलब छह क्यूब है, तीन है मतलब नौ क्यूब है, ठीक है। अब सैंपल इज लेस देन फोर का मतलब कॉन्क्रीट वॉल्यूम में कहां से कहां तक आ जाता है, कॉन्क्रीट वॉल्यूम जब आपका छह क्यूबिक मीटर से लेकर थर्टी क्यूबिक मीटर तक है तब के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो क्राइटेरिया आपका रखा गया है, प्लस में भी है माइनस में भी है, ठीक है। प्लस माइनस अलग अलग चीज है, बताता हूँ क्या। पहला देख लीजिए, द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम इंडिविजुअल टेस्ट इज एफसीके माइनस टू। यहाँ पे लैंग्वेज जो है थोड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अच्छे अच्छे यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे लेस देन फोर सैंपल की बात हो रही है, मतलब मैं तीन सैंपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। हम लोग जो कास्ट करने वाले हैं वो सपोज मान लीजिए 30 क्यूबिक मीटर का है, तो 30 क्यूबिक मीटर के लिए आपको कितना सैंपल लोगे, तीन सैंपल लोगे। तीन सैंपल का मतलब क्या हो गया आपका, नाइन क्यूब, ठीक है। एक क्यूब यहाँ है, एक क्यूब ये, एक क्यूब ये मिला के एक सैंपल हुआ, ये मिला के एक सैंपल हुआ, ये मिला के एक सैंपल हुआ, मतलब तीन सैंपल हो गया, ठीक है। सैंपल नंबर वन टू थ्री। आप एक चीज देखिए, ये जो बोल रहा है रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनिमम इंडिविजुअल टेस्ट, मिनिमम इंडिविजुअल टेस्ट एक एक सैंपल के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए इस सैंपल टेस्ट का आप कंप्रेसिव टेस्ट कीजिए, इस क्यूब का एक स्ट्रेंथ आएगा, इस क्यूब का एक स्ट्रेंथ आएगा, इस क्यूब का एक स्ट्रेंथ आएगा, तीनों क्यूब का स्ट्रेंथ का आप एवरेज निकालिएगा, समझ गए, एवरेज निकालिएगा। जो भी रिजल्ट आएगा, मान लीजिए एक्स आया, ठीक है, और इसका आया सपोज मान लीजिए वाई, और इसका आया जेड, ठीक है। अब आपको चेक करना है जो ये एक्स है वो एफसीके माइनस टू के बराबर होना चाहिए मिनिमम, समझ में आ गया। मैं एक एग्जांपल लेके आपको और क्लियर करता हूँ। सपोज M25 की बात हो रही है, ठीक है, तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से कितना होना चाहिए एफसीके माइनस टू, एफसीके मेरा 25 है, तो 25 माइनस टू कितना हो गया 23 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को चेक करना है इस तीनों क्यूब का जो भी रिजल्ट आया था उसका जब हम एवरेज निकाले वो 23 के बराबर होना चाहिए या 23 से ज्यादा होना चाहिए, समझ गए। मतलब मान लीजिए इसका आया था 23, इसका आया था 24 और इसका आया था 22, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ये सैंपल पास किया, ये सैंपल पास किया, लेकिन ये सैंपल पास नहीं किया। इसका मतलब ये है, बहुत सारे मैं चैनल पर देखा हूँ ये बताते हुए, ये इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट का मतलब इंडिविजुअल क्यूब से रिलेट कर दिए हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने दिमाग में मत घुसाइएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल टेस्ट का मतलब इंडिविजुअल सैंपल से यहाँ बात हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है, द मीन ऑफ सैंपल्स आई एस को दिखाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर कर पाऊंगा आपको। द मीन ऑफ सैंपल्स का मतलब क्या बोल रहा है, ये सैंपल्स निकाले, ये सैंपल्स निकाले, ये सैंपल्स निकाले, तीनों का मीन निकाले, तीनों का एवरेज निकाले। सपोज इसका 23 आ गया जो मैं बोला आपको, इसका 24 आ गया मैं बोला आपको, और इसका 22 आ गया। अब इस मीन का मीन निकालना है, इस एवरेज का एवरेज निकालना है, मतलब 23 प्लस 24 प्लस 22, मतलब 23 प्लस 24 प्लस 22, इसको डिवाइड कीजिए 3 से। जो भी वैल्यू आएगा ना, जो भी आंसर आपका आएगा, वो आंसर आपका होना चाहिए मिनिमम एफसीके प्लस 4। एफसीके प्लस 4 क्या होगा, मतलब एफसीके की जगह मेरा है 25 और 4, मतलब क्या हो गया 29, ठीक है, 29 ना। तो इन तीनों का जब आप मीन करोगे तो वो आपका मिनिमम 29 होना ही चाहिए, वरना ये जो सैंपल का लॉट है ये पूरा फेल, समझ गए, ये सैंपल का जो लॉट है वो पूरा फेल। अब मैं आपको आईएस कोड पे ले आके इसको क्लियर करवाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए नोट्स का पॉइंट नंबर 2 इसी में दिया हुआ है, फॉर क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी अप टू 30 क्यूबिक मीटर, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। द मीन ऑफ टेस्ट रिजल्ट ऑफ ऑल सच सैंपल्स, देख लीजिए, द मीन ऑफ टेस्ट रिजल्ट ऑफ ऑल सच सैंपल्स, जितने भी सैंपल्स आप लिए हैं उन सबका मीन निकालना है आपको, और वो जो है आपका होना चाहिए एफसीके प्लस 4, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, जो मैंने अभी पॉइंट नंबर 2 करके आपको ऊपर बताया हूँ, ठीक है। अब देखिए, द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट शैल बी एफसीके माइनस 2, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। यही मैं आपको बताया था कि ईच सैंपल का जो वैल्यू है वो एफसीके 2 होना चाहिए कम से कम, ठीक है। अब ये समझ में आ गया है तो अब चलिए मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। ये बताते वक्त यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बोल के एक टर्म है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आप चाहे तो खुद से भी निकाल सकते हो। खुद से निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल जो चाहिए वो 30 सैंपल्स चाहिए। 30 सैंपल्स का मतलब आप समझ सकते हो 30 × 3 90 क्यूब्स चाहिए आपको। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जब टाइप करते हैं तो इतना क्यूब एक बार में हमें मिल जाए, ये नहीं होता है पॉसिबल। तो इसके लिए क्या किया है आईएस कोड, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू दे दिया है, वो वैल्यू भी इसी में दिया हुआ है।
आप IS 456 पुराने वाले से मत देखना क्योंकि ये अमेंड हो चुका है। यहाँ देखिए अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले जो था वो शायद 30 से 50 तक दिया हुआ था, लेकिन अब देखिए 30 से 60 तक ही एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एम और 15 के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन लेना होगा 3.5, 20-25 के लिए 4, और ये अमेंड होकर एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है 55 और 60 जो ग्रेड है उसको इंक्लूड किया गया है, और उसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन 5 पकड़ना होगा। ठीक है, तो इसको लेके भी हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं अगर हमारे पास साइट पे स्टैंडर्ड डेविएशन प्रैक्टिकली निकालने अगर पॉसिबल नहीं है तो। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ता हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको समझाता हूँ। तो अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको दोनों कान से खोल के सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो अभी जो मैं केस आपको बताने वाला हूँ ये किसके लिए है, जब आपका नंबर ऑफ सैंपल्स 4 या उससे ज्यादा होगा। ठीक है, अभी तक तो हम लोग जो देखे थे वो 4 से कम तक का देखे, मतलब 3 तक का देखे। आप देखेंगे जो 4 या 4 से ज्यादा के लिए जब सैंपल्स आपका हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, जब आपके साइट पे जो कास्टिंग हो रही है वहां पे कॉन्क्रीट की वॉल्यूम कितनी है, 30 क्यूबिक मीटर से ज्यादा है, मतलब 31, 32, 45, 50 है, तब जाके आप क्या करोगे, क्योंकि तब तक आपका सैंपल जो है नंबर ऑफ सैंपल वो तो 3 से ज्यादा हो गया, मतलब 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, उस केस में आप क्या करोगे, तब आपको ये चीज फॉलो करना है। ये चीज फॉलो करने के लिए मैं आपको एक टर्म पहले बताऊंगा, 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव। आपको ये कि मतलब समझना है, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हो रहा है। सपोज आप साइट पे काम किए और वहां पे आपका 10 सैंपल आने वाला है, आप जो लिए 10 सैंपल्स लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सैंपल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, याद रखिएगा स्पेसिमेन नहीं, क्यूब नहीं, सैंपल्स है। ये एक सैंपल और इस सैंपल के अंदर में 3 क्यूब है। ठीक है, ये दूसरा सैंपल, ये तीसरा सैंपल, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 7, 8, 9, 10। ठीक है, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब कंसेक्यूटिव का मतलब बोलना क्या चाहता है यहाँ पे, एक के बाद एक। ऐसा नहीं होगा कि एक के बाद हम 3 ले लेंगे, एक के बाद 5 ले लेंगे, नहीं। अगर एक से आप स्टार्ट किए हो ना तो एक के बाद का ही तीनों लेना होगा आपको, मतलब 1, 2, 3, 4 ये कंसेक्यूटिव हो गया, मतलब एक साथ, समझ गए। अगर आप 5 से स्टार्ट करते तो 5 के बाद का ही 4 आपको लेना पड़ेगा, मतलब 5, 6, 7, 8, ये 4, 4 का आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप 5 का नहीं बना सकते, यहाँ पे बोलता है IS को जो बोलता है वो आपको 4, 4 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब कंसेक्यूटिव का मतलब तो समझ गए, अब नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये नॉन ओवरलैपिंग है, और इसको ओवरलैपिंग कब बोलेंगे, जब हम लोग सोचो ऐसा करते हैं, हम लोग 1, 2, 3, 4 ये ग्रुप बना दिए, नेक्स्ट ग्रुप हम लोग जो बनाया ना उसमें 4 को ही इंक्लूड कर लिए, ऐसे करते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए ये बना तो कंसेक्यूटिव, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये अलग था, अब जब हम नेक्स्ट लिए तो 4, 5, 6, 7 है तो कंसेक्यूटिव, लेकिन ये लैपिंग है, समझ गए। देखो लैप हो गया ना, 4 पहले वाले ग्रुप में भी था, 4 दूसरे वाले ग्रुप में भी है, तो ये बंदा नहीं चलेगा, हमको अलग लेना होगा। कैसे लेना होगा, 4 को हटाओ और इसको 5 से आप ले सकते हो, 5, 6, 7, 8, ये पूरा एक प्रॉपर अलग हो गया, ये प्रॉपर अलग हो गया, इसके साथ इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई लैपिंग ही नहीं है, समझ गए। अब चलिए हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का 4 सैंपल है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये सैंपल है, इसके अंदर में आपका 3 क्यूब होगा ही होगा सब में। ठीक है, 3 क्यूब होगा। सबसे पहला आपका जो रोल है वो क्या करना है, आपको एवरेज निकाल लेना है और निकाल के रख देना है और कुछ नहीं करना आपको। मान लीजिए हम लोग ये वाला जो कर रहे हैं वो M30 के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए सैंपल 1 का जो आपका इसका स्ट्रेंथ दिखाएगा, इसका एक कॉम्पिटिव स्ट्रेंथ आएगा, इसका आएगा, तीनों का मीन निकाल के आप लिख लेना, तो एक सैंपल का एवरेज रिजल्ट आएगा वो आप लिख लेना। तो इसका मान लेते हैं एक आ गया कुछ भी, मान लीजिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ X, इसका रिजल्ट आया Y, इसका रिजल्ट आया Z और इसका रिजल्ट आया A। अब आपको चेक करना है, सबसे पहला कंडीशन में यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आपको पहले इंडिविजुअल रिजल्ट बताया गया है, ये जो है ये पूरा ग्रुप का बताया है। ठीक है, हम लोग अभी ग्रुप का बाद में देखेंगे, पहले इंडिविजुअल सैंपल्स का रिजल्ट देखते हैं। इंडिविजुअल सैंपल मेरा पास हुआ है कि नहीं, ये आप कैसे पता करोगे, आपको देखना है FCK-3 करके। FCK-3 मतलब FCK- कितना है, 30, 30-3 ये देखिए क्या है, कितना आया, 27। तो अब हमको देखना है कि हर एक जो सैंपल था उसका जब एवरेज निकालते जो हम लोग का रिजल्ट आया है वो 27 से कम ना हो, बराबर हो या ज्यादा हो, समझ में आ गया। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो कर गया ना तो इसका मतलब क्या है, मेरा हर एक सैंपल जो है वो पास कर गया, सैंपल X भी पास किया, Y भी, Z भी, A भी, ये सब रिजल्ट जो आया है वो पास कर गया।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल चेक कर लिए, अब हम लोग का मेन काम क्या है, ग्रुप से है, ठीक है। तो ग्रुप को निकालने के लिए सबसे पहला आपका रोल क्या है, देखिए हम लोग एक एक क्यूब का इंडिविजुअल निकाल के उसका पहले ये निकाले थे एवरेज, अब हमारा काम आ गया है जो हमारा एवरेज निकला है ना सैंपल का, इन सबका फिर से पर एवरेज निकालो, मतलब x प्लस y प्लस z प्लस a डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब ये रिजल्ट मान लीजिए आपका आता है b, ठीक है, b मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये रिजल्ट को आप यहाँ पे रख के छोड़ दो, b न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा काम आता है यहाँ पे, सबसे पहला देखिए एफ सी के प्लस 0.85 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो चलिए इसको निकालते हैं पहले, तो एक नंबर देखिए एफ सी के मतलब कितना है मेरा आपका एम 30, तो 30 लिखिए प्लस 0.825 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, हम लोग को क्या करना होगा न्यू अमेंडमेंट से लेना पड़ेगा, तो हम लोग चलिए देखते हैं वहां पे कितना है एम 30 के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये एम 30 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 पकड़ना है मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 पुट कर दीजिएगा तो इसका रिजल्ट आया 34.125, तो इसका हमको नियरेस्ट टू 0.5 तक लेना है, तो ये कैसे हो जाएगा 34, ये मैं खुद से 0.5 नहीं बोल रहा हूँ, अब जब ये अमेंडमेंट देखोगे ना तो इस अमेंडमेंट को देखना नीचे में ही लिखा हुआ है नियरेस्ट टू 0.5 तक हमको वो वैल्यू लेना है, ये 34 आया न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, इसको रख दो, एक वैल्यू ये आ गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक और कंडीशन दिया हुआ है दो नंबर, ये निकाल लेते हैं एफ सी के प्लस 3, एफ सी के मेरा 30 है प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, करेक्ट हो गया, तो दो वैल्यू आ गया, एक 34 आ गया एक 33 आ गया। अब इन दोनों में हमको कौन सा लेना है जो ग्रेटर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ अमेंडमेंट ही बोलता है, ठीक है, तो 33 और 34 में ग्रेटर कौन सा है 34, तो अब हम लोग को देखना है जो ये इंडिविजुअल सैंपल का जो मीन रिजल्ट आया है ये बी, ये वैल्यू कम से कम आपका ये 34 न्यूटन तो होना ही चाहिए, या उससे ज्यादा होगा तो और बेटर, लेकिन 34 न्यूटन तो होना ही चाहिए, यही बोलता है ये टेबल पूरा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको छोटा से छोटा पॉइंट क्लियर कर पाया हूँ, फिर भी आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूंगा, आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा। और ऐसी वीडियोस अगर आपको रेगुलर चाहिए तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं अपने लिए नहीं बोलता हूं, आपके लिए बोलता हूं, क्योंकि आप अपना यहां पे छोटा से छोटा डाउट क्लियर करवा सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे में बेल आइकन है उसको जरूर दबाइएगा, इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा ना सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट में फिर कुछ आने के आने वाला हूं, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।